नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर आपने आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल देखा होगा सुबह से, तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है दोस्तों। फिर एक बार आ चुका है एक बहुत भयंकर क्रैश। आप देखिए प्राइसेस यहाँ पे, बिटकॉइन ये देखिए $6,400, अभी $7,000 को क्रॉस किया तो सब लोगों को लग रहा था कि शायद जो है अब जो है शायद इसका प्राइस ऊपर ही बढ़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं वापस गिरा है, 12% के ऊपर गिरा है ये पिछले 24 घंटों में। इथेरियम तो आप देख लीजिए $228 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये 2018 का सबसे लोएस्ट प्राइस है दोस्तों इथेरियम का, 20% के आसपास जो है इथेरियम ड्रॉप। और यही हाल टॉप सारे क्रिप्टो करेंसीज का, आप देख लीजिए रिपल तो डाउन है, बिटकॉइन कैश आप देख लीजिए 20%, ईओएस 22%, आप सबका फेवरेट जो है ट्रॉन वो भी करीबन 17% के आसपास गिरा है। तो मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्होंने जो है बहुत ज्यादा एक धक्का खाया है। मार्केट कैप जो है फिर से $200 बिलियन के आसपास आ गया है दोस्तों, फिर से थ्रेटन कर रहा है ये कि मार्केट कैप जो है शायद $200 बिलियन के अंडर आ जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी ये हुआ था जब एक जबरदस्त क्रैश आया था, और अब फिर से एक बार ऐसा हुआ है कि ये क्रैश आया है। आप देखिए यहां पे इथेरियम का मैंने चार्ट यहां पे खुला रखा हुआ है, $228 के आसपास जो इथेरियम ट्रेड कर रहा है वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे लोएस्ट प्राइस है इथेरियम का इस साल कर रहा है, $226 पे पहुंचा था इथेरियम, और 2018 का ये सबसे लो प्राइस बन गया है। तो जाहिर सी बात है बहुत कंसर्निंग होगा आप सब में से कई लोगों के लिए, स्पेशली मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने जो है इथेरियम में इन्वेस्ट किया है, तो बहुत कंसर्निंग जरूर होगा कि ये मार्केट जो है बार बार क्रैश होता रहता है और कोई ऐसा विजिबिलिटी दिख नहीं रहा है कि मार्केट कब उठेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब क्रैश हुआ था मैंने आपको बोला था कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को आप खरीदना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो नॉर्मली आपका ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हो सकता है दोस्तों। पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और उसके बाद ही जो है एक भी रुपया आप क्रिप्टो करेंसी में डालें, क्योंकि आप तो देख ही रहे दोस्तों, आप अगर पिछले 4-5 महीनों से अगर आप देख रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि कितना जो है वॉलेटाइल है ये स्पेस। आप पैसे डालते हैं उसके बाद फिर से जो है वापस गिर सकता है या उठ सकता है। नॉर्मली मेरा ये स्ट्रेटजी रहता है इस मार्केट में कि मुझे लगता है कि आप जो है ऐसा कब जब क्रैश आता है तो आपको किसी प्रॉमिसिंग क्रिप्टो करेंसी में जो है आपको पैसे इन्वेस्ट करके थोड़े दिनों बाद जब थोड़ा भी ऊपर बढ़ता है, अगर आपको 10-15-20% के भी आपको गेन्स मिलते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने 0x के साथ ऐसा किया था, जब वो प्राइस उसका 59 सेंट्स के आसपास पहुंचा था मुझे लगा था ये अच्छा प्राइस है, और फिर 95 सेंट्स के आसपास जो है मैंने उसे बेचा था। तो ऐसा कोई स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं। यहां पे आप देख ही रहे हैं कि इथेरियम जो है $228 के आसपास अभी चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो आपके पास एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप थोड़ा सा पैसा जो है इथेरियम में डाल दें। आप देख लें इंडिया में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, तो आप इथेरियम में थोड़ा सा जो है आप डाल सकते हैं, ज्यादा मत डालिए दोस्तों। अगेन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आप प्लीज कंसल्ट करके अपना खुद का रिसर्च करके डालें। तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े और आज शाम तक जो है आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इथेरियम के साथ, और उसके बाद जो इथेरियम अगर 220-219 के आसपास आता तो शायद जो है आप इथेरियम में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर से जब मार्केट ऊपर उठेगा $240-250 के आसपास जब इथेरियम जाएगा, क्योंकि ये जो रेंज है इथेरियम का आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये जो दोस्तों रेंज, अगर मैं आपको 3 महीने का आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिए एक रेंज आपको मिल जाएगा इथेरियम के लिए। आप ये देखिए यहाँ पे $226 जो है आज चल रहा है, और उसका जो हाईएस्ट रेंज है 609 था, तो 609 तो बहुत ही ज्यादा था प्राइस। तो अगर हम पिछले 1 महीने का अगर हम चार्ट देखें इथेरियम का, तो आप देखेंगे 406 से लेकर के 226 तो बहुत भयंकर गिरा है इस पीरियड में भी। तो देखिए पिछले 1 महीने से गिरा ही है इथेरियम, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, तो हो सकता है ये पॉइंट हो जहाँ पे इथेरियम फिर से जल्दी आ सके। तो बस इस बात का ख्याल रखें दोस्तों, आप इथेरियम जैसे या और कोई भी और क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप इथेरियम में कोई खरीदें, लेकिन आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इथेरियम में जो एक बहुत ही विजिबल ड्रॉप आया है, तो हो सकता है वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कि आप एक शॉर्ट टर्म में इथेरियम खरीद के उसे एक थोड़े हाई प्राइस पे बेच के थोड़े बहुत जो है एक्स्ट्रा डॉलर्स आप कमा सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दोस्तों कि ये क्यों हुआ, क्या कारण है उसका। दो फंडामेंटल कारण बताए जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यही गोल्डमैन सैक्स ने जो कहा था कि एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग डेस्क वो बनाने की बात कर रहे थे पहले, और वो प्लान जो है उन्होंने फिलहाल जो है शेल्व कर दिया, यानी कि अभी वो कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग डेस्क जो है लॉन्च नहीं करने वाले हैं। तो नियर टर्म में कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग डेस्क नहीं आएगा गोल्डमैन सैक्स, और गोल्डमैन सैक्स जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है वॉल स्ट्रीट की, और ऐसा जब कोई न्यूज आता है वॉल स्ट्रीट से उसका डेफिनेटली एक थोड़ा सा इंपैक्ट मार्केट पर पड़ता जरूर है। दूसरा, कुछ लोगों ने यह भी कहा है, एक जो एनालिस्ट उन्होंने ये भी कहा कि कल जो है ShapeShift नाम का एक पॉपुलर जो है इंस्टेंट बिटकॉइन एक्सचेंज, जहां पे आप बिटकॉइन के बदले किसी भी और क्रिप्टो करेंसी को आप खरीद सकते हैं, तो उसने जो है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक KYC प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है। तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद उस वजह से काफी ज्यादा यूजर्स जो है उनको जो है स्पूक हो गए हैं और उन्होंने शायद क्रिप्टो करेंसीज बेचे हैं। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे लग रहा है शायद यही ज्यादा पॉसिबल है दोस्तों, तो ये देखिए यहां पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है CCN ने, तो CCN कह रहा है कि यहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा हो, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो जिसने 10,000 BTC
से एक शॉर्ट पोजीशन लिया है। शॉर्ट पोजीशन से अगर आप वाकिफ नहीं है दोस्तों, तो आप बेसिकली ट्रेड करते हैं कि आपका जो बिटकॉइन का प्राइस है वो नीचे जाए। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है, अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर, तो जब उसका प्राइस नीचे गिरता है तो आपको जो है ज्यादा गेन्स होते हैं। तो आपका एक शॉर्ट पोजीशन होता है ले सकते हैं आप, या तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो किसी ने, एक एनालिस्ट ने ये कहा, किसी ने 10,000 BTC वर्थ का जो है एक शॉर्ट पोजीशन लिया है और उसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हुआ मार्केट में, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो या मार्केट मैनिपुलेशन हो, जिसको किसी को शायद पता होगा कि गोल्डमैन सैक्स जो है ये करने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे जो स्पेक्युलेशन हो रहा है दोस्तों, ये इस आर्टिकल में ये लिखा गया है, तो पता नहीं है कितना सही है, लेकिन इतना भयंकर क्रैश जब होता है तो डेफिनेटली मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है मार्केट मैनिपुलेशन है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रेगुलेटर्स जो है कैसे रेगुलेट कर पाए क्रिप्टो करेंसीज को, या कैसे प्रोडक्ट्स बना पाए क्रिप्टो करेंसीज पर। कई फाइनेंशियल कंपनीज भी इस वजह से थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस बहुत वॉलेटाइल है दोस्तों। आप देखिए बिटकॉइन जो सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैप है वो खुद इतना वॉलेटाइल है, तो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज तो कितने वॉलेटाइल ज्यादा है ऑलरेडी। तो इस बात का आप ख्याल रखें दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं कि आप एक वॉलेटाइल एसेट क्लास के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको बस ये समझना है दोस्तों कि एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है। आप जो है स्टॉक्स म्यूचुअल फंड जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, इसे भी एक एसेट क्लास समझिए। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आप 10-15% ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का इसमें इन्वेस्ट करें, शायद आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा और प्लीज आप उसकी ही सुने। तो बस इस बात का आप ख्याल रखें दोस्तों कि इसे एक नया एसेट क्लास समझिए, एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है जो आपको बहुत जल्दी जो है 20-25-30-50% तक भी गेन दे सकता है, और उतने ही जल्दी जो है आपके गेन्स 20-25-30-50% से कम भी कर सकता है। इस बात का आप ख्याल रखें दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। आप हमारे वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट का एड्रेस है cryptodost.io। याद रखिए दोस्तों cryptodost.io है, .com नहीं है। आइए cryptodost.io पर, यहाँ पे आपको न्यूज मिलेगा, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, वीडियोज आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, ICO ट्रैकर मिलेगा, प्राइस ट्रैकर मिलेगा। तो जरूर एक्सप्लोर कीजिए हमारे वेबसाइट को, और आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, दो क्रिप्टो दोस्त हमारा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे हमसे आप बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं द क्रिप्टो दोस्त @gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच।